बढ़िया यार. मैंने ना YouTube पे डाली थी वीडियो वेयर आई वाज जोकिंग अबाउट माय डैड. लाइक इन द वीडियो आई वाज जोकिंग अबाउट माय डैड लाइक जोक्स वीडियो माय डैड. और समाज के लोग गुस्सा कर गए मेरे को फेसबुक पे रैंडम. उन्होंने गालियां दी इनबॉक्स में, तेरे को शर्म नहीं आता बाप का मजाक उड़ा रहा है. आई एम लाइक मेरे डैडी वीडियो व्हाट्सएप कर रहे हैं. उनको वहां ग्रुप एडमिन बनाने की बातें चल रही हैं. एंड आई डोंट नो व्हाई यू कांट मेक फन ऑफ पेरेंट्स. योर पेरेंट्स कैन मेक यू एंड यू कांट यू मेक अ जोक ऑन देम. अभी तो फिर भी मेरी अभी के पेरेंट्स जो है ना आजकल के मॉडर्न वाले, इनकी फिर भी मेरे दिमाग में थोड़ी इज्जत है. बिकॉज दे प्लान किड्स, दे वेट फॉर कपल ऑफ ईयर बिफोर हैविंग किड्स बिकॉज देयर द लाइफ, देयर जॉब, देयर एम्बिशन, दे वांट टू ट्रैवल. बट इफ यू लुक एट योर पेरेंट जनरेशन, ये 60, 65, 70 वाला ग्रुप, इनका जिंदगी में मुद्दा ही अलग था. बहुत इनका मुद्दा था शादी के पहले साल में. भाग्यवान कैलेंडर नेक्स्ट नहीं होना चाहिए. इलाके गवर्नमेंट रिपोर्ट कार्ड, लोग पूछेंगे एक साल में क्या किया, तो विकास या प्रगति में से कुछ तो होना. मेरे ना कॉलेज में मेरे के दोस्त थे जो कि अपने माँ बाप की शादी के 10 महीने पैदा हो गए थे. नॉट अ वियर्ड पार्ट, मैथमेटिकली पॉसिबल. दिक्कत यह उनके माँ बाप की अरेंज मैरिज हुई थी. एंड आई एम लाइक तुम लोग उस जमाने में इतनी जल्दी फ्रैंक कैसे हो सकते हो. लाइक एन आई कैन जस्ट इमेजिन घर में क्या ही बात चल रही होगी. तो शादी को 15 दिन हुए, द लेडी वॉन्ट्स टू नो अबाउट द मैन, के जी आपकी हॉबीज क्या हैं, आपको खाने में क्या पसंद है, आप दाल साग खा लेते हो. एंड द बंदा लाइक वो सब छोड़, तेरे को एक चीज दिखाता हूँ बहुत बढ़िया. But don't take me wrong, I respect parents. मुझे नहीं पता मेरे से कोई parents parents हैं आजकल. Any parents in the house? No parents. क्योंकि मेरे को honestly मेरे को पता लगता है देख के, because I am really bad at guessing age. मेरे को लगता है आदमी थोड़े खूसट हो जाते हैं, but औरतों का नहीं लगता देख के. Honestly, like I don't know how women are managing this, but women don't look old at all these days. Like आज बड़ा सामान आता है मार्केट में उनका. मैंने देखी यार टीवी पे वो डे क्रीम, नाइट क्रीम. मैं कहा बेंच पर ये बताओ, क्रीम को पता है लगता है कि रात हो चुकी है. मैं रिस्पेक्ट पेरेंट बिकॉज आई नो पेरेंटिंग इज टफ. मेरा और रीजन आई नो पेरेंटिंग इज टफ. पेरेंटिंग इज सो टफ कि मेरे बच्चे हैं भी नहीं, मुझे फिर भी पता है. सी पेरेंट्स हैव वेरी टफ जॉब टू डू एंड दैट इज टू रेज किड्स. एंड किड्स हैव वेरी स्पेशल स्किल सेट ऑफ एम्बैरसिंग देयर पेरेंट्स. लाइक मैं जब 9th में था ना, 9th में मेरे को लगता था कि मेरी अंग्रेजी बहुत ख़राब है. मुझे लगता था कि मेरी अंग्रेजी ख़राब है. तो नॉर्मल डे एट होम मैं अपना अंग्रेजी का होमवर्क कर रहा था. गेस्ट आए हुए हैं, डैडी ड्राइंग रूम में बैठे, मम्मी ने सबके लिए पकौड़े बनाए, मामला काफ़ी शांति में. आई वॉज राइटिंग एन आर्टिकल फॉर माई इंग्लिश वर्क बुक, द टाइटल वॉज अफेक्ट्स ऑफ इंटरनेट ऑन सोसाइटी एंड ट्रू स्टोरी. CBSE वालों को पता होगा उसमें एक लाइन थी, विजेड इंटरनेट हैज़ कॉज इंक्रीज इन पोर्नोग्राफी एंड साइबर क्राइम. तो सीन है जब मैं 9th में था ना, तो बच्चों को पोर्नोग्राफी का मतलब नहीं पता होता था. लाइक मैंने देख रखी थी, मेरे को वर्ड का मतलब लाइक CD थी मेरे पास टार्जन वाली. तो लाइक एनदर किड वेंट टू ड्राइंग रूम, जितने गेस्ट आए सबको पाइल आउट करा, एक पकौड़ा उठाया और खाते खाते पापा से पूछा, पापा ये बात बताओ पोर्नोग्राफी क्या होता है. ही हैड दैट लुक, ओ भैंचो देख तो नहीं आए. मतलब माना बच्चे बड़े होते दोस्त बन जाते हैं, मगर इतना दोस्त. तो मैं डैड से बात कर रहा था, मेरे को साइड पे भी देख रहा था, गेस्ट के पकौड़े जाए ना वही रुके हुए. आई हैड नो क्लू बाबा क्या होता है. अरे कहाँ से पढ़ के आए, कहाँ से पढ़ के. पापा इंग्लिश कवर कर रहा था वो आर्टिकल वर्क बुक. इज लाइक ओके ओके ओके. एवरीबडी गॉट कम्फर्टेबल अबाउट इट. जहाँ जहाँ पकौड़े रुके थे वहीं से शुरू कर लिया उन्होंने. तो डैड गेव मी अ सजेशन, एक काम करो अपने कमरे में जाओ, डिक्शनरी पढ़ी हरे रंग की, ओपन इट अप फाइंड द मीनिंग. आई सेड ओके. पकौड़ा उठाया, वेंट बैक टू माय रूम, ओपन्ड आवर डिक्शनरी. हम लोग उसमें भी मिडिल क्लास, मेरे घर में इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन थी. आई स्टार्टेड फॉर सर्चिंग फॉर द मीनिंग ऑफ पोर्नोग्राफी, लाइक पोर्नो 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 पोर्नो. इट सेड कामोत्तेजक बातें एवं चित्र. मेरे को तब रियलाइज हुआ कि मेरी इंग्लिश गंदी नहीं है, मेरी हिंदी भी गंदी है.
आई वेंट बैक टू ड्राइंग रूम, पापा काम होते जी क्या होता है यार, सबके पकौड़े, फिर रुक गए वहीं पे। मैं सोच रहा भैंचो स्टैच्यू बोल कौन रहा है इनको। तो डैड के चेहरे पे काफी एम्बैरेसिंग लुक था, काफी। ही केम क्लोज टू मी, लुक्ड इनटू माय आईज एंड सेड दो थ्री मैजिकल वर्ड्स के बेटा वो ना वो सेक्स बेस्ड फिल्म है। ओप्स, आई कुड फील द एम्बैरेसमेंट गेटिंग ट्रांसफर फ्रॉम हिज बॉडी टू माय बॉडी, बिकॉज नाउ द एंटायर प्रेशर वॉज ऑन मी टू मेक एन एक्सप्रेशन, जैसे मुझे तो नहीं पता ये क्या। इस बार मैंने पकौड़ा भी नहीं उठाया, आई वेंट बैक टू माई रूम थिंकिंग अच्छा ब्लू फिल्म को कहते हैं। काफी लाइक मैं ना अपने डैडी से काफी ज्यादा फ्रेंडली था यार, और मैंने मोस्टली कहा नाइन्थ में कि मैं नाइन्थ में था, मैंने डैडी से एक और चीज पूछ ली, मैं पापा आप दारू वगैरह पीते हो? कह रहे क्या बात कर रहा है, किसने बोला गंदी बात, थप्पड़ खाया मेरे बाबा, मैं ठीक है मान लिया, आपने बोला मैंने मान लिया, डन डील डन डील। तो ये घर में मनी प्लांट की बोतलें कहाँ से आ रही हैं? मुझे लगा मैकडॉवल हमारे मोहल्ले की नर्सरी का नाम है। तो डैडी मान नहीं रहे थे, डैडी मैंने उनको रंगे हाथ पकड़ा प्लस वन में, नॉर्मल डे एट होम, हम सब लोग टीवी देख रहे हैं और डैडी बार बार अपने कमरे में जा रहे हैं, और जब बाहर आ रहे हैं उनके चेहरे पर अजीब सी खुशी है यार, वो ना रिमोट लेके चैनल देख रहे खुश होके। मेरे लिए ना एक ऑमलेट बनाना, एक ऑमलेट छोटे प्याज मसाला तेज प्याज मसाला तेज करारा ऑमलेट प्याज मजा आ जाए करारा एक सिंगल छोटे छोटे मसाला। मैं देख रहा हूँ आदमी इतना खुश कैसे हुए, इसको कुछ तो ऐसा मिल रहा है जो हमें नहीं मिल रहा। इस बार डैडी गए कमरे में, चला गया धीरे धीरे करके उनके पीछे, उन्होंने कबर्ड खोली और लिटिल टू पैक बना रहे थे अपना, एंड आई एम 3 inches taller than my dad, तो ऊपर से ऐसे करके। तो डैडी ने पैक बनाया, टर्न अराउंड लुक्ड एट मी एंड सेड दीज एग्जैक्ट वर्ड्स के बेटा नाउ नाउ यू आर माई फ्रेंड एंड यू नो द शिट इज सीरियस व्हेन अ पंजाबी फादर इज टॉकिंग टू यू इन इंग्लिश। फ्रेंड फ्रेंड मम्मी ऑमलेट दो कर देना यार। I know parenting is tough, मगर फिर भी मेरी माँ बाप के साथ कोई ऐसी खास सिंपैथी है नहीं, जो हमें लाना उनका डिसीजन था, हमें थोड़ी पता कहाँ जा रहे हम लोग। बिकॉज नॉट लाइक किड्स एम्बैरेस पेरेंट्स, समटाइम पेरेंट्स ऑल्सो एम्बैरेस किड्स, बट दे हैव अ डिफरेंट वे ऑफ डूइंग इट। लाइक मैं जब भी अपने घर वालों के सामने ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करता हूँ ना, कोई वैसे ज्ञान पहनने की कोशिश करता हूँ, दे हैव दिस वन आर्गुमेंट दैट दे गिव एंड द आर्गुमेंट इज बेटा तू तो चुप ही रहा कर, आज तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करना बेटा, तेरे को ना नंगा घूमते हुए देखा हुआ। उस टाइम मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन थे नहीं वैसे, कोई बच्चा पैदा होते थोड़ी बोलता है और भाई मेरी विंटर कलेक्शन कहाँ है, ये ट्रायंगल लंगोट मैं तो नहीं पहन रहा मैं। हर बार हर जगह सेम फॉर अ मेल चाइल्ड, द मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट ऑफ योर लाइफ इज व्हेन यू गो आउट शॉपिंग विद योर पेरेंट्स एज अ किड। जलालत की हद है यार, यू गो आउट शॉपिंग विद योर पेरेंट्स, you pick up a pant, you pick up a shirt, you go to the trial room to try it, and the trial room is busy, and parents are like, yahi change kar le, tujhe kaun dekh raha hai? And I am just standing there, you know, trying to defend myself. Mummy, matlab wo self-respect naam ki koi cheez hoti ki nahi hoti? My body, my choice. Keh rahe, tu chup raha, tere ko nanga kum. Aapne dekha, salesman thodi dekha, yaar. CCTV lage hai, mera MS ban jayega. कल को आपके फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में आऊंगा, फायदा क्यों उसका? और तुम रहते यहाँ बेइज्जती खत्म हुई ना, ना यहाँ बेइज्जती शुरू हुई। ज्यादा बेइज्जती तब फील होती है व्हेन यू रियलाइज बचपन में लड़के और लड़कियों का कॉमन स्टोर होता है, एंड व्हेन अ गर्ल ऑफ 8, 9, 10 ईयर्स ऑफ एज शी ट्राइज आवर न्यू ड्रेसेस, देयर इज अ कलेक्टिव ऑ मोमेंट इन साइड द एंटायर शो। लाइक गर्ल ट्राइज अ न्यू ड्रेस, पेरेंट्स आर लाइक ओ माई गॉड माई डॉटर इज लुकिंग लाइक अ डॉल लाइक अ प्रिंसेस। एक लड़का नई जीन ट्राई करता, बाहर निकलता, बाप का दूर से क्वेश्चन, बेटा यहां से टाइट तो नहीं है? हेलो
हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। मैं अपना स्टैंड अप सोलो कर रहा हूँ अभी, कोई लोड नहीं। ये मेरा सेकंड स्टैंड अप सोलो है और इसका इंडिया और नॉर्थ अमेरिका टॉर है। जनवरी 25 से लेकर 16 फेब तक मैं इंडिया में परफॉर्म कर रहा हूँ, जिसमें कि भोपाल है, गोवा है, बॉम्बे है, बैंगलोर, पुणे, गुड़गांव, नोएडा, ये सिटीज़ हैं। और उसके बाद नॉर्थ अमेरिका टॉर शुरू हो रहा है फ्रॉम फेब एंड, जहाँ पे ऑलमोस्ट सारी अच्छी सिटीज़ पे आ रहा हूँ, बड़ी वाली सिटीज़ पे आ रहा हूँ, सैन डिएगो, एलए, बे एरिया, सब जगह आएंगे। और कनाडा टॉर भी ऐड हो रहा है उसमें, करंटली कैलगरी और एडमिंटन है 21-22 मार्च को। तो ये सारा टॉर जो है, ये सारी टिकट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। प्लीज़ बाय टिकट्स फॉर द शो। ये इंस्टाग्राम है मेरा, यहाँ पे सुंदर फोटो के साथ शोज की डिटेल मिलती है। तो जैसे आप ट्विटर पे जोक्स के लिए फॉलो नहीं करते, उस तरह से यूट्यूब के लिए शोज के लिए फॉलो नहीं करना, शोज के लिए फॉलो करना है इंस्टाग्राम पे, बिकॉज इंस्टाग्राम इज द प्लेस जहाँ पे सारे शोज की डिटेल रहती है। और फेसबुक भी, दोनों का हैंडल है लाइफ ऑफ पाजी। प्लीज फॉलो मी देयर इंस्टेंटली राइट नाउ एंड आई सी यू एट द शो। बाय बाय, टिकट नीचे, मैं घर जा रहा हूँ। बाय।